हमारे घर के जो हालात देख लें, नीम का जो दरख्त है ना वो फुल मतलब इस टाइम धुल चुका हुआ है और कितना ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी के साथ आज के व्लॉग आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट बार व्लॉग में हम लोग माँ जी और मैं गए थे जी करेले की फसल में। हम लोगों ने वहाँ से ताज़ा जो है ना सब्ज़ी तोड़ी थी और मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, लेकिन हम लोग आपके साथ उस दिन रेसिपी शेयर नहीं कर पाए क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ था और लेट हो गए थे हम लोग। पहले माँ जी जो है ना पुलाव बना रहे थे, इस वजह से हम लोग फिर आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं कर। बारिश का मौसम जो है ना बना हुआ है बहुत ज़्यादा, जिस तरह बादल आए हुए लग रहा है, मौसम मौसम ख़राब बना हुआ है माँ जी। देखे बादल कितने ज़्यादा आए हुए हैं, तो कोई पता नहीं किस टाइम में मतलब बारिश आ सकती है। तो वैसे भी ऐसे मौसम में करेले गर्म होते हैं, तो ठंडे मीठे मौसम में इनको खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। साथ अगर तंदूरी रोटी हो तो मज़ा जो है ना दुबला हो जाता है। लेकिन आज सॉरी, हम लोग आपके साथ जो तंदूरी रोटी शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है हमारे घर की जो तंदूरी है वो तो टूट गई थी। लेकिन हम माँ जी फिर पड़ोसियों में घर लगाती हैं, तो आज उन्होंने भी तंदूरी नहीं जला रहे वो, तो शायद वहाँ पे हम लोग रोटी लगा सकें, तो तवे पर हमें जो है ना रोटी बनानी पड़ेगी। तो आज हम लोग करेले बना रहे जिस सिंपल तरीके से, तो हम लोगों ने सोचा कि आपके साथ शेयर करते, ताज़ा सब्ज़ी हम लोग लेके आते, तो उसी की जो है ना फिर जो हम लोग सब्ज़ी वगैरह तोड़ के लाते हैं आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करते हैं। और आपको उम्मीद है पसंद भी आती होगी और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम लोग अच्छी से अच्छी जो वीडियो अपने व्यूअर्स साथ शेयर करें। तो उम्मीद है कि आप हमारा आज का लोग जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करेले में ऊपर छिलका उतार के दूसरे काट लेने, काट लगा के बीच बीज निकाल ले, बीज निकाल के फिर इन्होंने नमक लगा के रख ले 10 मिनट। उस तो बाद फिर मैं इन्होंने धो के तेल घी बनाई कर। पहले हम लोग भरवे करेले बनाते थे, लेकिन आज मैंने ध्यान ने कहा कि हम लोग सिंपल बनाते हैं, पीस छोटे छोटे करके पहले तलाई करके फिर उसके बाद हम लोग सिंपल जो है ना सालन बनता है उस तरीके से बनाएंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और भरवें करेले आपको होता है वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी जो है ना बनते हैं। अगर सब्ज़ी आपके पास ताज़ा हो, अच्छी हो, फ्रेश हो, तो आपको पता है सालन का जो टेस्ट अच्छा हो जाता है। हाँ, किसी दिन ना फिर इंशाल्लाह करेले तो आपको पता है यहाँ पर लगे हुए, इस तो जब भी दिल करता है, अगर आप लोग कमेंट में अगर रिकमेंड करेंगे हमें, तो हम लोग आपके साथ इंशाल्लाह जो है ना भरवे करेले की रेसिपी वो भी शेयर कर देंगे। और फिलहाल आज हम लोग सिंपल ही जो है ना वो बना रहे हैं। तो अम्मी जान ने पीस करके तलाई शुरू कर दी है ताकि करेले की जो कड़वाहट वगैरह ख़त्म हो जाए। और आज बारिश का मौसम बना हुआ, आप देख लें, पहले मैंने आपको बताया बादल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, किसी टाइम भी जो है ना बारिश आ सकती है, कोई पता नहीं। बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत सा माहौल बना हुआ है जी, मौसम ठंडा बन गया, अच्छा मौसम बन गया। असल में गर्मियां जा रही हैं ना, सर्दियों की आमद आमद है और गर्मियां जा रही हैं, जिस वजह से बारिशें हो रही हैं। गर्मियों की आखिरी बारिशें जो है ना अभी आ रही हैं, तो सर्दियों की आमद आमद है। माहौल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन गया है, हालांकि कल और परसों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेकिन यह हफ्ता में जो है ना बारिश का माहौल बन गया, बादल आ गए थे काले और मूसलाधार जो है ना बारिश होने लग गई है। दरख्तों को आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, और बारिश जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है उससे ज़्यादा स्पीड से जो है ना बारिश चल रही है। उस दिन हम लोगों ने करेले तोड़े थे तो बारिश का मौसम बना हुआ था, लेकिन बारिश आई नहीं थी इतनी ज़्यादा। लेकिन आज जिस तरह का मौसम बन गया, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही है, इस माहौल में आज इंशाल्लाह हम लोग करेले की रेसिपी बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा और मज़ेदार सा कम्बिनेशन बन जाएगा।
हालात देख लें, नीम का जो दरख्त है ना वो फुल मतलब इस टाइम धुल चुका हुआ और कितना ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। छत से पानी बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा था, हम लोगों ने नीचे रख दिया जी बाल्टी ताकि सुराख नीचे ना हो जाए और पानी जो है ना बुनियादों के अंदर ना चला जाए। अब्दुल असीब ते ज़ेब हसन दे कबूतर लड़ाई कर रहे हैं। अभी शाम हो चुके तो इनको हम लोगों ने अभी जंगलों के अंदर बंद कर देना है, तो बंद करने से पहले अपना खाना जो है ना ख़त्म कर रहे हैं जी ताकि रात को भूख ना लगे, पूरी रात आपको पता लंबी होती तो भूख लग जाती है चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, तो अपना फुल खाने में लगे हुए हैं जिस टाइम। हमारा सालन जो है ना वो रेडी हो चुका हुआ है और रात भी हो गई अभी, तो रोटी अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तंदूरी पर आज हम लोग रोटी नहीं बना रहे, तवे पर बनाएंगे, तो रोटी बनते बनते बहुत ज़्यादा है हाँ तंदूरी नहीं जला सके इस वजह से नहीं जली, और रोटी बनाते बनाते आपको पता लेट हो जानी है और रात में ब्लॉग तो बनता नहीं है, अगर आज मैं ब्लॉग ना बना सका रोटी के वेट में बैठा रहा आपके साथ वो शेयर करने लगा तो फिर आज मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया, कल आना था, तो इसी मुझे आज ना इस वजह से फिर यहीं पर ब्लॉग का एंड करना पड़ रहा है। बाकी माशाल्लाह हमारा सालन जो ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी मज़ेदार बना, बाकी आप देख सकते हैं खुद ही, और मैंने आपके साथ जो भी चीज़ शेयर की बारिश जो आई थी वो भी आपके साथ शेयर की है, मेरी उम्मीद यही कोशिश रहती है कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें अपने व्यवस्था साथ जो है ना शेयर करूँ। बाकी बारिश आने के बाद गाँव का माहौल बड़ा खूबसूरत सा ठंडा और मीठा सा मौसम बन गया हुआ है, गर्मियाँ जितनी भी मतलब जितनी ज़्यादा गर्मी इतनी तेज़ थी अभी कम हो चुकी हुई है और सर्दियाँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह से आ रही हैं, तो उम्मीद बारिश लगी रही है इस वजह से साला बारिश हुई भी बहुत ज़्यादा है इतनी ज़्यादा, जैसे मैंने आपने खुद देखा होगा कितनी ज़्यादा तेज़ और मूसलाधार बारिश हो रही थी, साथ हवा भी चल रही थी बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब बारिश हो रही थी, खाना बनाने मुश्किल हो गया और अभी हम लोग लेट मतलब खाना बन रहे हैं हमारा सालन, अभी हम लोग ने 4-5 बजे सालन बनाना शुरू किया क्योंकि यहाँ पर गीली जगह थी, माइसें भी यहाँ पर ईजिली नहीं मिलती गाँव में, गीली हो जाती है ना तो इस वजह से शहर जाना पड़ता है फिर, तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का व्लॉग जरूर पसंद आएगा, जो मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें शेयर की आपको वो भी पसंद आई होंगी, अगर पसंद आएंगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो मिलते हैं कि नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।